यस गाइस, तो आपने बिल्कुल सही सुना, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एकदम तेजी से बढ़ने लगे। बात करूं मैं अब तक के, यानी कि आज टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हुए, एक्चुअल डाटा मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप सभी को बताएं, माय सेल्फ प्रोवन फ्रॉम आईटी हैदराबाद, एंड आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से अंटिल योर सिलेक्शन इन टॉप आईआईटी टॉप एनआईटी आपको फुल सपोर्ट रहने वाला है। साथ में आपको फ्री काउंसलिंग सपोर्ट रहने वाला है, इसीलिए आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इतने क्यों आ रहे हैं और इतनी तेजी से क्यों बढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले एनटीए ने एफएक्यू जारी किया है, जिसके माध्यम से हर एक स्टूडेंट का डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया है, सभी जो है फॉर्म फिलअप करने में लगे। और बात करूं मैं यहाँ पर, सभी को पता चल गया है कि मोस्टली जो फॉर्म फिलअप करना है हमें सुबह सुबह या देर रात में फॉर्म फिलअप करना है, तो इजिली फॉर्म फिलअप हो जाता है। इससे जो है लगभग दोपहर में जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे मोस्टली वहां पर भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अब कम होते जा रहे हैं। सो बात करूं मैं और, तो आप सभी को पता होगा कि जो मेन आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला था, उसकी जगह आप अभी रिसिप्ट में जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल रहा है वो भी आप डाल सकते हो। तो रिसिप्ट आपको एक दिन में मिल जाता है, सो वो भी स्टूडेंट का यहाँ पर जो है दिक्कत एनटीए ने खत्म कर दिया है। तो मोस्टली यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी बढ़ने लगा है, फॉर्म फिलअप प्रोसीजर बिल्कुल तेजी से चल रहा है। तो बात करूं मैं एक्चुअल डाटा की, तो मैंने कल भी आपको अपडेट दिया था, कल जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन थे लगभग 10,00,000-10,000 के आसपास यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गए थे। बात करूं मैं आज की, तो आज टोटल आंकड़ा चला गया लगभग 11,16,500 के आसपास, अप्रॉक्सिमेटली आप पकड़ लीजिए। बात करूं मैं यहाँ पर 22 नवंबर की, तो तब तक कितने टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गए, बहुत सारे यानी कि चैनल वाले आपको बताते होंगे लगभग 15 लाख 16 लाख इतना सारा रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर अभी अभी 14 लाख हो गया है। बिल्कुल स्ट्रेस मत करिए, इतना सारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पर आप सभी को पता है कि करेक्शन विंडो डेट जो है वो आ चुकी है, 26 एंड 27 नवंबर, दो ही दिन में करेक्शन विंडो ओपन होगा। आप सभी को जो भी आपने माइनर मिस्टेक किए सुधार लेनी है गाइस, ठीक है। साथ में पूरा करेक्शन विंडो में आपको किस प्रकार सुधारना है, किस प्रकार आपको एडिट करना है, मैंने यहां पर पूरा वीडियो आपको दे रखा है। सो एवन एकेडमी पे जाइए, पूरा वीडियो देखिए, यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, लास्ट में क्लिक करके पूरा वीडियो देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पूरा स्टेप देख लेना है। और हां, कल भी मैं आपको अपडेट करूंगा कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने होने वाले हैं। सो आपको इसी तरह के ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, और हर एक स्टूडेंट को अपना ड्रीम आईटी जरूर कमेंट करना है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।